हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू लाइव टॉक दुबई चैनल। दोस्तों, जिनके पास अबू धाबी, शारजा, रस अल खैम, उम अल खैम, अजमान, फुजीरा का रेसिडेंस वीज़ा है और आप 6 महीने से ऊपर यूएई से बाहर आए, अपने अपने होम कंट्री में फंसे हुए हैं, इनमें से कुछ लोगों का वीज़ा एक्सपायर्ड है, तो जो लोग 6 महीने से ऊपर यूएई से बाहर आए, कुछ लोगों का वीज़ा एक्सपायर्ड है, मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ अबू धाबी, शारजा, रस अल खैम, उम अल खैम, अजमान, फुजीरा वीज़ा और लक्ष के बारे में। तो क्या आप ट्रैवल कर सकते हैं और नहीं, मेरा काफ़ी सारा व्यूअर्स भी मुझसे सवाल कर रहे हैं, सरोप भाई क्या हम ट्रैवल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप 6 महीने से ऊपर यूएई से बाहर आए, मतलब 180 दिन से ऊपर यूएई से बाहर आए, 7 महीना हो गया है, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन है। जैसे आपके पास ICA ग्रीन सिग्नल होना चाहिए, आपके पास ICA रजिस्टर अराइवल QR कोड होना चाहिए, आपका वीज़ा एक्टिव भी होना चाहिए, मतलब आपका वीज़ा का जो एक्सपायर डेट आने वाले दिनों में से होना चाहिए। तो आप 6 महीने से ऊपर हो गया, आपका 7 महीना हो गया, तो आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। और जिनका वीज़ा एक्सपायर्ड है, मतलब होम कंट्री में रहती है, आपका वीज़ा एक्सपायर्ड हो गया है, तो देखिए इसके हवाले से अभी तक कोई अपडेट नहीं आए, लेकिन आपको क्या करना है, आप ऑनलाइन चेक करें अपना वीज़ा। अगर ऑनलाइन आपका वीज़ा एक्टिव शो हो रहा है और वीज़ा का एक्सपायर डेट आने वाले दिनों में से हो रहा है, मतलब एक्सपायर जो डेट है वो आने वाले दिनों में से शो हो रहा है, वीज़ा एक्टिव भी होना चाहिए ऑनलाइन और वीज़ा का एक्सपायर डेट आने वाले दिनों में से होना चाहिए, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन, आपके पास ICA ग्रीन सिग्नल होना चाहिए और ICA रजिस्टर अराइवल QR कोड होना चाहिए, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। और जिनका वीज़ा कैंसिल हो रहा है, तो जिनका वीज़ा कैंसिल हो रहा है, आप कैंसिल वीज़ा पर ट्रैवल नहीं कर सकते, आपको नया वीज़ा लेकर आना है, चाहे वो विजिट वीज़ा, चाहे वो नया वर्क वीज़ा, मतलब आपको नया वीज़ा लेकर ही यूएई आना है और दुबई में आना है। कैंसिल वीज़ा मतलब कंपनी ने आपका वीज़ा कैंसिल कर दिया है, तो आपको अभी नया वीज़ा लेकर यूएई आना है। बाकी दुबई वीज़ा के बारे में मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि दुबई रेसिडेंट वीज़ा ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुके हैं। जस्ट ये अपडेट है अबू धाबी, शारजा, रस अल खैम, उम अल खैम, अजमान और फुजीरा रेसिडेंट वीज़ा होल्डर्स के लिए। तो मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।